गरुड़ के आगमन से काक भुशुंडी समेत सभी पक्षी अति प्रसन्न हुए। काक भुशुंडी ने उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया और उनके वहां आने का उद्देश्य पूछा। गरुड़ का आधा मुंह तो वैसे ही भंग हो चुका था, फिर भी उन्होंने इस स्वीकारोक्ति के साथ काक भुशुंडी से रामचरित सुनाने की विनती की। ज्ञानी भगत शिरोमणि त्रिभुवन पति कर जान, ताहि मोह माया मोर पावर करहि गुमान। शिव विरंचि कहूँ मो को है बपुरा, अस जिय जानि भजहि मुनि मायापति भगवान। अकुंठ हरि भगति अखंडा, देखि सैल प्रसन्न मन भय माया मोह सोच सब गय। तड़ाग मज्जन जल पाना बट तर गयउ हृदय हर्षाना, वृद्ध वृद्ध विहंग तह आए सुने राम के चरित सुहाए। कथा अरम ते ही समय गय खगना, आवत देखी सकल खग राजा हर्ष उपाय सहित समाजा। अति आदर खगपति कर कीन्हा, स्वागत पूछी सुवासन दीन्हा, करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तब बोले उकागा। नाथ कृतारथ भयं मैं तब दर्शन खगराज, आय सुदेहु सो करो प्रभु आयहु के ही काज। सदा कृतारथ रूप तुम कह मृदु बचन खगेश, जेहि कय स्तुति सादर निज मुख की महेश। सुनहु तात जेहि कारण आयउ सो सब भय उदरस तब पायउ, देखि परम पावन तब आश्रम गयउ मोह संशय नाना भ्रम। अब श्री राम
सुखद दुख पुंजन सावनी सादर तात सुना बहु मोही बार बार बिनवहु प्रभु तोही सुनत गरुड़ते गिरा बीता सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता भयउता सुमन परम उछाह लाग कहे रघुपति गुण गाह प्रथम ही अति अनुराग भवानी रामचरित सर कहे सी बखानी नारद कर मोह अपारा कहे सी बहुरी रावण अवतारा प्रभु अवतार कथा पुनि गाई तब सी सुचरित कहे सी मन लाई बाल चरित कही विविधि विधि मन मह परम उछा ऋषि आगवन कहे सी पुनि श्री रघुवीर बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा पुनि नृप वचन राज रस भंगा सिंह कर विरह विषादा कहे सी राम लक्ष्मण संबादा विपिन गवन केवट अनुरागा सुरसरी उतरी निवास प्रयाग बाल्मीक प्रभु मिलन बखाना चित्रकूट जिमी बसे भगवाना सचिवा गवन नगर पमर गवन प्रेम बहु परना करिनृप क्रिया संग पुरवासी भरत गए जन प्रभु सुखरासी पुनि रघुपति बहु विधि समुझाए ले पादुका अवधपुर आए भरत रहनी सुरपति सुत करनी प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि